अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। गाइस, आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को टाइटल देखकर आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक तरीका बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप लोग विंडोज 11 इंस्टॉल कर सकते हैं बगैर TPM 2.0 के। ठीक है, जिनको वो नहीं पता TPM 2.0 क्या चीज़ है, तो ये एक फ़ीचर है TPM 2.0 जो कि बहुत से PCs, बहुत से जो है ना सिस्टम में अवेलेबल होता है, लेकिन अक्सर जो ओल्ड CPU वगैरह है उनके अंदर नहीं होता ये। ठीक है, जो जिन लोगों के पास विंडोज़ 10 थी, उन लोगों के पास ये अपडेट आई थी विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 पे अपग्रेड करने की। तो जिनके पास अवेलेबल था TPM 2.0, उन्होंने अपडेट पे क्लिक किया तो उनका विंडोज़ जो है वो अपग्रेड हो गए विंडोज़ 10 से 11 में। ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं था तो उनके पास एरर आ गया कि आपके पास सपोर्टेड नहीं है TPM 2.0, तो वो लोग नहीं कर पाए। ठीक है, तो आज मैं आपको तरीका लेके आया हूँ कि आपने किस तरीके से विंडोज़ 11 करनी है, वो भी USB के ज़रिए बगैर, अगर CPU में सिस्टम में TPM 2.0 अवेलेबल नहीं है, सपोर्ट नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चले जाएंगे गूगल पे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने जाना है, टाइप करना है विंडोज़ 11 डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे विंडोज़ 11, पहला जो आपको लिंक मिलेगा उसी पे चले जाना है अपने आराम से, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, विंडोज़ 11। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, विंडोज़ 11 64-bit डाउनलोड ISO फाइल डाउनलोड करनी है आपने। ठीक है, ये ISO फाइल है। ठीक है, और मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं सीधे चला जाता हूँ अपनी फोल्डर्स के अंदर जहाँ पर मैंने रखा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास ISO फाइल रखी हुई है। ठीक है, अब हमको चाहिए होगी एक USB। ठीक है, कम से कम 8 GB की। ठीक है, 8 GB से कम की नहीं चलेगी, 8 GB कम से कम चाहिए होगी। ठीक है, और उस USB को हमने बूटेबल किस तरह बनाना है उसका तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसको बूटेबल बनाने के लिए आपको एक और सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, उसका नाम है रूफस। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सही है, फिर आपने क्या करना है, अपनी USB जो है उसको कनेक्ट कर लेना है अपने PC के अंदर। ठीक है गाइस, मैं USB इंसर्ट करने लगा हूँ। ठीक है, इंसर्ट कर देना उसको। ठीक है, तो मैंने ऐसे इंसर्ट किया तो ये मेरे पास अवेलेबल आ गई। ठीक है, मेरे पास भी 8 GB की है। फिर हमने क्या करना है, जो ISO फाइल है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मेरी ISO फाइल जो है वो रखी हुई है, यहाँ रखी हुई है। सही है, ये सेलेक्ट कर ली मैंने, और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन TPM 2.0 प्लस सिक्योर बूट। ठीक है, अगर जिनके पास मतलब ये फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप वो उस पर क्लिक कर लें। ठीक है, इनके पास नहीं है तो वो उस पर क्लिक कर लें, और बाकी एलेक्ट्रिस वाले देने आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देना। ही पूछेगा आपका USB का डेटा सारा इरेज कर देंगे हम, तो आपने ओके कर देना है। अगर जो भी आपका सेव डेटा है उसको पहले किसी ड्राइव वगैरह में या कहीं स्टोर कर लें, सेव कर लें उसको, फिर आप जो है वो उसको करेगा। ठीक है, ओके क्लिक कर देते हैं। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको होने में। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो चुका है। ठीक है, हम इसको क्लोज कर लेते हैं और जिस PC में आके चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें आप, ये हमारे पास जो USB है वो बूटेबल हो चुकी है। तो गाइस, अब हम जो है अपने PC को रिस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग को USB से इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को चाहिए होगी बूट मेन्यू की। ठीक है, तो पहले रिस्टार्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, हम लोग को चाहिए बूट मेन्यू की, और चूँकि मेरा HP का है सिस्टम तो मेरी है F9। ठीक है, आप अपनी जो है वो गूगल पे सर्च करके देख लेगा, जो भी आपके कंपनी का सिस्टम होगा तो उसका आप देख लेगा। बाकी HP के लैपटॉप की जो है वो ESC से हो रही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, F9 की, इसको मुझे प्रेस करना होगा। ठीक है गाइस, ये आप देख सकते हैं, मेरे पास ऑप्शंस आ गए। ठीक है, अब हम
कीबोर्ड में जो एरोज हैं उनके जरिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो यूएसबी से कर रहे हैं, तो हम सीधे चले जाएंगे यूएसबी के अंदर। ठीक है, और सिंपली इंटर कर देंगे। आपने कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे वीडियो स्क्रीन पे आता जा रहा है उसको फॉलो करते जाना है बस। तो गाइस कुछ देर वेट करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली जो है वो नेक्स्ट पे चले जाना है। ठीक है, और इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपने क्लिक कर देना सिंपली आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे। अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं प्रोडक्ट की। ठीक है, अगर नहीं है तो आप आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक कर दें, फिर आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं करने जा रहा हूँ विंडोज 11 प्रो। ठीक है, फिर हम कर दें नेक्स्ट। इनका लाइसेंस वगैरह एक्सेप्ट कर लें आप लोग और फिर नेक्स्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पे आ जाता है दो ऑप्शंस। ठीक है, अपग्रेड मतलब आपको अगर अपनी फाइल्स वगैरह, सेटिंग वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह सब रखनी है तो आप अपग्रेड पे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं रखनी तो आप कस्टम पे आ सकते हैं। ठीक है, एडवांस वगैरह, एडवांस वाले ऑप्शन पे। तो मैं इस पे जा रहा हूँ क्योंकि मैं जो है वो जो सी ड्राइव है, ठीक है, उसको मैं सिर्फ फॉर्मेट करूँगा, बाकी मेरी जो जो इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह हैं वो दूसरी ड्राइव से पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं जो है वो सी ड्राइव में मेरा कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉल थी उसमें, तो वही विंडोज़ पूरी फॉर्मेट होके उसमें इंस्टॉल हो जाएगी। बाकी जो कीमती फाइल्स थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, वो सारे दूसरी ड्राइव में, तो उसमें चला जाता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो मेरी, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी कौन सी वाला पार्टीशन है, कौन सी वाली ड्राइव है जो जिससे मुझे विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, जिसमें ऑलरेडी हुई हुई थी। तो मैं देख लेता हूँ कौन सी वाली है। ठीक है, तो जिसमें मैंने क्लिक किया भाई ये वाली है, क्योंकि मेरे जो सी ड्राइव में SSD लगी हुई, SSD जो है वो 120 GB की थी, तो यही है। ठीक है, तो मैं इसको पहले कर लूँगा फॉर्मेट। सही है, ये फॉर्मेट हो चुकी है। अब हम सिंपली इसको जो है वो नेक्स्ट कर देते हैं। अब इसमें जो है वो हम लोगों को टाइम देखने को मिलेगा अच्छा खासा, मतलब 5-10 मिनट तो कहीं नहीं गए, डिपेंड ऑन योर PC। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हो गया। ठीक है, और रीस्टार्ट होने वाला है 3 सेकंड के अंदर। गाइस आपने घबराना नहीं है, ये जो है ना 2-3 दफ़ा जो है रीस्टार्ट होगा, और जो है वो इस तरह आपने घबराना नहीं है, ऐसे ही रहने देना स्क्रीन को। तो ये आप देख सकते हैं एक एनिमेशन आई है जो कि बहुत ही कूल और अमेजिंग है। ठीक है, अब आप यहाँ पे यस कर दें सिंपली, और यहाँ पे भी हम यस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं हम लोग, सही है, और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं।
तो गाइस यहाँ पे हम लोग को दो ऑप्शन देखने को मिलना है, ठीक है, सेटअप फॉर पर्सनल यूज़ और सेटअप फॉर वर्क और स्कूल। तो मैं पर्सनल पे चला जाता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मांग रहा है, तो अगर आपके पास है तो आप लॉग इन कर लें, नहीं है तो फिर रहने दें। तो मेरे पास है ऑलरेडी, तो मैं लॉग इन कर रहा हूँ उस पर। तो ये कह रहा है पिन क्रिएट करें, मतलब पासवर्ड वगैरह की, तो वो भी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, उसके बिना आगे जाने नहीं देगा ये। ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से दिखा रहा है कि रीस्टोर करना या नहीं करना, तो मैं सेटअप एज न्यू डिवाइस से ही जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ और इसको डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। बाकी जो है वो हम रहने देते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। आप इनको पढ़ पढ़ के आप जो है वो अनेबल कर लें या डिसेबल करना डिसेबल कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो है वो लेट्स कस्टमाइज योर एक्सपीरियंस, आपको क्या एक्सपीरियंस लेना है इससे। तो मैं चले जाऊँगा क्रिएटिविटी, बिजनेस, गेमिंग, एंटरटेनमेंट और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चला था ओनली सेव फाइल्स टू दिस पीसी, मुझे जो है वो वन ड्राइव पे सेव नहीं करनी है अपनी फाइल्स वगैरह। नो थैंक्स। अब गाइज ये जो है वो हमारी विंडोज स्टार्ट होने वाली है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो रह गई हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो कुछ देर तक इंतज़ार कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं। गाइज ये तकरीबन होने वाला है और हमारी विंडोज़ हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बड़ी कोई कमाल की इसका जो इंटरफेस है, बड़ा ज़बरदस्त मुझे पसंद आया। तो गाइज आप देख सकते हैं विंडोज 11 प्रो, सही है। तो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।